हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका अन अकेडमी IAS प्रयागराज की तरफ से। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर ख्याति और देखते हैं आज की टॉप 5 हेडलाइंस क्या हैं। पहली न्यूज़ है जहां हम द हिंदू से खबर उठा रहे हैं, महाराष्ट्र स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी रिप्रेसिव अलाउज मिस यूज़, ये सिविल सोसाइटी की रिपोर्ट है। देखिए खबर क्या है, यहाँ पे जो ये न्यूज़ उठाई गई है वो ली गई है महाराष्ट्र से, जहाँ पे एक स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी बिल लाया गया है। ये बिल लाया गया है अर्बन नक्सलिज्म के लिए, ठीक है। तो ये बिल लाया गया है अर्बन नक्सलिज्म को काउंटर करने के लिए, अर्बन नक्सलिज्म को ठीक करने के लिए। जब हम नक्सलिज्म के, अर्बन नक्सलिज्म की बात करते हैं, तो नक्सलिज्म का मतलब होता है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म या माओइज्म, जिसका मेन एजेंडा होता है कि वो जो स्टेट गवर्नमेंट होती है ना, उसको वो ओवर थ्रू करे विद वायलेंट मेजर्स। तो पहली न्यूज़ जो है वो महाराष्ट्र से है, जहाँ पे एक स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी बिल लाया गया है। नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट न्यूज़, जो हम द न्यू इंडियन एक्सप्रेस से ले रहे हैं, जहाँ पे न्यूज़ है दैट PM मोदी इनॉग्रेट्स इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी INS टावर्स इन BKC मुंबई। तो देखो इसमें से आपको जानने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी को का जो टावर है उसको इनॉग्रेट किया मुंबई में। अगर हम बात करें INS की, यानी इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी की, तो बेसिकली इसका जो जेनेसिस है वो 1927 से है। तो 1927 यानी जब इंडिया की आज़ादी भी नहीं हुई थी तब से ये जो है एस्टेब्लिश किया गया था एज एन इंडिया इंडियन एंड ईस्टर्न न्यूज़पेपर सोसाइटी इन 1939, ठीक है। इसके बाद अगर इसके मेंबर्स की बात करें तो इसमें ओनर्स, प्रोप्राइटर्स और पब्लिशर्स होते हैं प्रिंट मीडिया के। तो ये तो बात रही इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी की। नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट न्यूज़ जो हम ले रहे हैं द हिंदू से, जहाँ पे न्यूज़ है बिहार से। यहाँ पे बिहार की जो सरकार है वो मखाना कल्टिवेशन को प्रोत्साहित करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए ये कह रही है कि मखाने पे भी जो MSP है वो दी जाए। सो नाउ बिहार गवर्नमेंट इज़ डिमांडिंग फॉर द MSP फॉर द फॉक्स नट, ठीक है। तो ये जो है पहले, मतलब कुछ समय पहले आपने न्यूज़ सुनी होगी जहाँ पे बिहार गवर्नमेंट ने स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की डिमांड की थी, और अभी वो डिमांड कर रहे हैं MSP की। जब हम MSP का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी अगर हम अगर मतलब इतनी खेती की जाती है तो सरकार मिनिमम इतना पैसा तो आपको जरूर देगी आपके क्रॉप के लिए। तो इसी में जो मिथिलांचल वाला एरिया है बिहार का, वहाँ पे फॉक्सनेट का जो कल्टिवेशन उसको प्रमोट करने के लिए ये स्टेप उठाया गया है। नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट न्यूज, जो अगेन हम द हिंदू से ले रहे हैं, जहाँ पे न्यूज है हर घर जल इनिशिएटिव लिक्विडेटिंग द हैंडपम्प। तो जो जल जीवन मिशन लिया गया था, जल जीवन मिशन का मेन एजेंडा ये था कि हर खेत को पानी या हर घर जल पहुंचाने का जो इसका मेन एजेंडा था, इसके लिए जो है अभी ये कहा गया है कि जो इसमें परसेंटेज है, मतलब जो मतलब हर घर में नल लाने की जो जो परसेंटेज थे वो 1.2% राइज किया है, 1.2% से ये बढ़ा है। नहीं तो होता क्या है कि क्या होता है, महिलाएँ जो है दूर दराज के गाँव में और तालाबों में जाती हैं ताकि उनको पानी मिल जाए। तो इससे क्या होगा कि जो महिलाओं का एक्स्ट्रा बर्डन है वो कम हो जाएगा। हालांकि जो भी इसकी विस्तार की या जो रफ्तार की दर थी वो कंपैरेटिवली लो है। लास्ट न्यूज़ हम ले रहे हैं जहाँ पे द हिंदुस्तान टाइम्स की न्यूज़ है कि शाह रिव्यूज प्रोग्रेस ऑफ वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। शाह का मतलब है अमित शाह। तो इन्होंने जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है अलॉन्ग इंडो चाइना बॉर्डर, आपको पता है जो चाइना की जो सीमा लगती है वहाँ पे डेवलपमेंट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी को लेके ये न्यूज़ है। नाउ व्हाट इज़ क्या कहते हैं वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ये बेसिकली एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसको CSS स्कीम कहते हैं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। और इसके जो नोडल मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है। इसमें अगर हम बात करें पोटेंशियल बेनिफिट की, तो ये जो है आपको मदद करता है कि जो बॉर्डर सिक्योरिटी है उसमें कहीं ना कहीं बॉर्डर सिक्योरिटी हेल्प करना, बॉर्डर मैनेजमेंट में हेल्प करना, ये इसका प्राइम एजेंडा है। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर टुडे। आज के न्यूज में बस यही तक, कल फिर से आपसे मिलना होगा टॉप 5 हेडलाइन के साथ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ वेरी नाइस डे अहेड, आपका दिन शुभ हो।